आईपीएल सीजन 13 में फिलहाल 10 मुकाबले हो चुके हैं और यहां पर सभी टीमें पुरजोर कोशिश कर रही हैं अपने अपने तरीके से प्लेऑफ्स में जगह बनाने की। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जो कि 2 मैच हार चुकी है 3 में, उसे चौथे मैच में हर हार जीत दर्ज करनी होगी, नहीं तो सीएसके की टीम इस टूर्नामेंट में काफ़ी पिछड़ जाएगी। दरअसल सीएसके के फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं और निराश हैं कि सीएसके की टीम इतना ख़राब प्रदर्शन कैसे कर सकती है। दरअसल हरभजन और रैना की गैर मौजूदगी में ये टीम और भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब इस टीम को समझना होगा कि किस तरीके से ये वापसी करेंगे। ऐसे में खबरों की माने तो इस टीम के कप्तान एमएस धोनी चाहते हैं कि सुरेश रैना जल्द से जल्द मैदान में वापसी करें और चेन्नई सुपर किंग्स की नैया को पार लगाएं। धोनी चाहते हैं कि सुरेश रैना इस टीम का हिस्सा हो। खबरों की माने तो सुरेश रैना से इस मसले पर सीएसके की टीम बात भी कर रही है। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि सुरेश रैना सीएसके की टीम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बात लगभग तय नज़र आ रही है कि सुरेश रैना बहुत जल्द सीएसके की टीम में वापसी कर सकते हैं। और अगर रैना की वापसी होती है तो सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर हो जाएगा और सीएसके की टीम मैदान पर धमाकेदार वापसी कर सकती है। खबरें ये भी हैं कि सुरेश रैना को मिड ऑफ द आईपीएल में सीएसके की टीम में शामिल किया जाएगा। बहुत जल्द सीएसके एक चार्टर्ड फ्लाइट यहाँ पर सुरेश रैना के लिए भेजेगी और सुरेश रैना वहाँ से दुबई के लिए रवाना होंगे। अब यहाँ पर कितनी जल्दी सुरेश रैना दुबई पहुँचते हैं, क्वारंटीन होते हैं और फिर बायो बबल में एंट्री करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।